नेक्स्ट आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, लार ग्रंथियां कितने प्रकार के होती हैं, यानी कितने होती हैं। तो लार ग्रंथियां 3 प्रकार के होती हैं और ये जोड़ी में होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती है। अधोजिह्वा ग्रंथि ये भी एक लार ग्रंथि है, जो कि दोनों जीभ के दोनों साइड में एक एक जोड़ी यानी एक एक संख्या में ये पाई जाती है। कौन? अधोजिह्वा ग्रंथि, जो जीभ के एक साइड और एक साइड दोनों साइड में एक एक की संख्या में होती है, तो एक जोड़ी हो जाएगी, एक जोड़ी। उसके बाद निचले जबड़े के मध्य में मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर एक एक की संख्या में पाई जाती है, उसे कहते हैं अधोहनुज ग्रंथि, ये भी लार ग्रंथि का एक प्रकार है। और तीसरी होती है कर्णमूल ग्रंथि, जो कि दोनों कान के नीचे एक एक साइड में एक एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसकी संख्या क्या होती है? एक एक होती है, और ये भी एक जोड़ी होती है। ठीक है, क्वेश्चन है, मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है। आपके सामने ऑप्शन ए में है अधोजिह्वा ग्रंथि, जो कि ए जीभ के दोनों किनारों पर पाई जाती है, एक साइड में एगो और एक साइड में एगो, तो दो को संख्या हो जाती है। फिर अधोहनुज ग्रंथि, जो कि ए निचले जबड़े के मध्य में पाई जाती है, जो कि मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर पाई जाती है और एक एक की संख्या में होती है। और तीसरा कर्णमूल ग्रंथि होती है, जो दोनों कान के एक साइड में एक ग्रंथि होती है और एक साइड में एक, दोनों नीचे होती है इधर, ये भी क्या करती है? तो यहाँ से लार स्रावित होता है कि ना। तो एक कर्णमूल ग्रंथि है और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपको आंसर बताना है कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो कर्णमूल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है? तो कर्णमूल ग्रंथि। अब क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पाई जाती है, तो कान के दोनों ओर एक एक की संख्या में पाई जाती है।